आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आरजे भूषण के साथ। मन का विश्वास कमजोर होना।
नमस्कार, शुभ संध्या, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान, भारत का एकमात्र ऑनलाइन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और चूंकि आज बुधवार है, फरवरी माह की 17 तारीख वर्ष 2016, और हर बुधवार की तरह आज भी मैं आरजे भूषण आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक खूबसूरत म्यूजिकल शाहकार प्रोग्राम गीत गाता चल के तहत। और दोस्तों, आज का ये म्यूजिकल गुलदस्ता इसलिए भी खास है कि देखते ही देखते प्रोग्राम गीत गाता चल का एक पड़ाव पूरा हो गया, यानी कि गीत गाता चल प्रोग्राम ने आज ही के दिन एक वर्ष पूरा कर लिया है। दोस्तों, ये सब आप ही की बदौलत है, और अगर आप न होते तो ये प्रोग्राम इतना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आपके लगातार समर्थन और एक्सटेंसिव सपोर्ट की बदौलत ही ये प्रोग्राम पिछले एक वर्ष से आप सभी का मनोरंजन करता आया है। तो दोस्तों, आइए इस कार्यक्रम में आज हम जश्न एनिवर्सरी गीत गाता चल के तहत आज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करें, और इस सेलिब्रेशन में मैं आप सभी को खुला निमंत्रण देता हूं कि आप आए और गीत गाता चल से संबंधित आपकी जो भी यादें हैं उन यादों को यहां तरोताजा करें, और आप इस कार्यक्रम के माध्यम आए चल से क्या चाहते हैं। और दोस्तों, खास तौर पे इस बात की ओर ध्यान देना मैं लाजमी समझता हूं कि यंगस्टर्स या आजकल की जो जनरेशन है, उस जनरेशन के लिए ओल्डी गोल्डीज का उतना महत्व नहीं है जितना कि हम जैसे गिने चुने लोगों के लिए है। फिर भी पिछले एक वर्ष से कमोबेश तरीके से कार्यक्रम में ज्यादातर पुरानी सिलसिला चलता रहा, और नए गानों का बोलबाला नदारत रहा, के बराबर रहा। हालांकि फिर भी कोशिश तो हुई कि एकाध दो शो ऐसे सिंगर्स के किए जाएं, मसलन उदित नारायण, साधना सरगम इत्यादि इत्यादि। तो इस वर्ष ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स का ख्याल रखा जाए, यंग जनरेशन को ध्यान में रखा जाए, और उनसे जुड़े हुए कुछ शोज इस रेडियो उड़ान के सीजन 3 में और गीत गाता चल के दूसरे वर्ष में हम लाएं, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस जश्न आजादी में लीजिए सुनते हैं फर्ज फिल्म से एक बर्थडे सॉन्ग, और इससे शुरुआत करते हैं आज के गीत गाता चल के जश्न सेलिब्रेशन की। बार बार दिन ये आए,
बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू सुनीता हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू सुनीता हैप्पी बर्थडे करार हो के दामन थाम लूं मैं किसका बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका क्या मिसाल लूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका नहीं नहीं ऐसा हसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए बेमिसाल जो कहलाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता और की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत जो बाहर खुद कहलाए हर गली का दिल धड़काए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू सुनीता हैप्पी बर्थडे टू यू चमन से तुझको है सलाम भेजा फूल ने चमन से तुझको है सलाम भेजा तारों ने गगन से तुझको ये पयाम भेजा दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको चांद की उम्र लग जाए आए तो कयामत आए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये
मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, पांच मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, पांच मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आरजे भूषण के साथ। तो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाता चल में। और इस जश्न एनिवर्सरी में अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं। जी नमस्कार, आपका स्वागत है गीत गाता चल में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो भूषण जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। ये प्रोग्राम जो है वो पूरे एक साल पूरे कर चुका है जी। ये प्रोग्राम में शायद आपको तो याद ही होगा, मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था जी, तो इस प्रोग्राम के साथ मुझे भी शामिल होना था, लेकिन जी, जी। मेरी ये बदकिस्मती रही कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सका जी। और एक ही बार मैं मुझे आने का मौका मिला जी, जब एसडी साहब के ऊपर आपने शो किया था जी। जी उसके बाद भी मैं अपने बताऊं लिसनर्स को कि भूषण जी के बहुत बार मुझे इनविटेशन मिले लेकिन मैं आ कभी नहीं पाया, ये मेरी बदकिस्मती रही। लेकिन इनका प्रोग्राम मैंने कई बार सुना, व्हाट्सएप पर भी मैंने बहुत बार सुना और वैसे भी सुना जी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका, बेस्ट ऑफ लक जी। तो कुछ खास आप इस प्रोग्राम के तहत या इस प्रोग्राम से संबंधित ऐसा कुछ हो जो कि आपके जहन में आए, या कोई ऐसी कल्पना या कोई ऐसी थीम कि जिसके बारे में आप बता सकें जिसे कि हम इंक्लूड करें आगे आने वाले एपिसोड्स में? हाँ, ऐसे जैसे कि आप आजकल तो सिर्फ सिंगर्स को इंक्लूड कर रहे हैं या कंपोजर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, इनको इंक्लूड कर रहे हैं जी जी। तो मेरे मन में कुछ ऐसा होता है कि जैसे अगर गीत गाता चल है तो आप कभी 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 कुछ थीम्स को लेकर भी प्रोग्राम किया करिए जी। कभी मसलन? जैसे मसलन जैसे इंट्रोडक्टरी सॉन्ग्स के ऊपर कभी कोई प्रोग्राम हो गया, या फिर कभी जैसे के कुछ ऐसे गाने जिनमें कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ हो, या रेलगाड़ी से रिलेटेड सॉन्ग्स हो गए जी जी। बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं प्रोग्राम को करने के लिए, इसमें थोड़ी सी वैरायटी मेरे ख्याल से आएगी जी जी। और बाकी अच्छा सिस्टम है, बाकी हमारे यूथ को चाहिए कि जो सॉन्ग्स इस प्रोग्राम में प्ले होते हैं जी उनको सुने
जैसा कि आप, हाँ आप एक बात मुझे याद आ गई आपकी बात, अभी आप कह रहे थे कि यंगस्टर्स जी जी जो है वो बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी यंगस्टर्स में भी ही हूं, मेरी कोई बहुत ज्यादा एज नहीं हुई, लेकिन मैं इन गीतों को बहुत पसंद करता हूं, बल्कि मैं तो इनसे इनसे भी कई बार पीछे चला जाता हूं। सुबह सुबह शिलोन सुनते हैं तो बहुत मजा आता है। जी जी वो बात आपकी सही है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि हमारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि तक भड़क वाले गीत हों। हाँ, लेकिन जब तक आप जैसे आरजे ऐसे प्रोग्राम पेश करते रहेंगे तो मुझे लगता है वो लोग भी मजबूर हो जाएंगे ऐसे गीतों को सुनने के लिए। क्या कोई बात ऐसी है? बात नहीं है जी पंडित भाई, मैं आपके कॉल में शामिल हूँ। जी 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 नमस्कार सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप तो लोग बिल्कुल जी बिल्कुल, हम लोग ये पहले से ही प्लान कर रहे हैं कि हम आगे से कोई थीम भी लिया करेंगे और थीम पे भी हम प्रोग्राम करेंगे जी। बाकी रही यंगस्टर्स की बात, कोई नहीं, उनको इंक्लूड करने का भी हम इंतजाम करेंगे यार, जरूर करेंगे। और यंगस्टर्स भी आएंगे इस प्रोग्राम में, खुद ब खुद आएंगे। हमारा क्या, हम कोई प्रोग्राम कुमार शानू पे कर देंगे जी? हाँ, उदित नारायण पे कर देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि इन्हीं गीतों को हमारे यंगस्टर सुने ताकि उन्हें हमारा म्यूजिक पता चले। है दरअसल मैं भी यही चाहता हूँ जी, लेकिन वो ये रहा है जी, मैं यार अपनी बेटी को तो कायल कर नहीं पाया इस बात को। क्या बात है। दरअसल पुनीत जी और अमृतपाल जी, बात मेरी कुछ इस तरह की है कि हमें फिर भी इस बात को सोचना है कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी रेडियो हम चला रहे हैं, तो हम इस जनरेशन का भी कुछ ख्याल करें और कमोबेश ही सही, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ख्याल तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर ख्याल नहीं करेंगे तो इंटरनेट वाले हमें छोड़ेंगे भाई, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम हमारे यूथ का ध्यान नहीं रखते, हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल रखेंगे सर, आप चिंता ना कीजिए, आपका ये सुझाव हमारे सर आंखों पे, हम आगे से बिल्कुल ये ख्याल बिल्कुल करेंगे और ये ध्यान हम लोग रखेंगे, है ना। बल्कि हम रिक्वेस्ट में करूंगा जी, अगर हो सके तो ये अमृतपाल जी को अपने साथ बांध लीजिएगा, इनको कहीं जाने ना दीजिए। इनको तो आज बांधना इसलिए है कि इनके लिए ये खास दिन है, क्योंकि नहीं, आज ही नहीं, इनको हमेशा बांधे रखिए जी। मैं कोशिश मेरी लगातार बनी रहती है कि इनके साथ संपर्क बना रहे। जी 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 जी, क्योंकि क्योंकि इनकी इनसे ही प्रोग्राम्स की शोभा जो है, खास करके जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में मैं जितना कहूं कम है, क्योंकि मैं जब भी इनको फोन करता हूं जी, हमारी एक डेढ़ घंटे से कम कभी बात नहीं होती, और जब बात होती है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से गाने उठा उठा के बताते हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आती ना वो मैंने कभी सुने होते हैं। सही बात है, मसला सिर्फ इतना है यार, ये सारी प्यार की बात है, खेल तो प्यार का है ना। और बाकी रही बात के कोई किसी से भी बात कर ले, ये तो नहीं मुमकिन ना जी, ये तो है, ये तो बिल्कुल। लेकिन पुनीत जी, आज मैंने अपने यंगस्टर्स को रिझाने के लिए और या अपने यंगस्टर्स को थोड़ा सा नचाने के लिए, झुमाने के लिए कुछ ऐसे गाने भी स्टूडियो में क्यू करके रखे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ आनंद आए और जश्न गीत गाता चल या जश्न एनिवर्सरी हम धूमधाम से मनाएं। बिल्कुल सर, हम लोग पूरे तैयारी के साथ बैठे हैं, सर्दी के मौसम का असर थोड़ा थोड़ा आप मेरे गले पे जरूर देख रहे हैं, पर चले ये तो चलता रहता है, ये तो हमारे ऊपर वितारी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, इस असर को छोड़ के हम आगे निकलेंगे तभी मजा आए, है ना। और आपने जो प्यार की बात कही, उससे जोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पुनीत जी, और कुछ आप कहना चाहें या कोई आपकी फरमाइश हो आज जश्न गीत गाता चल? मेरी फरमाइश एक है, एक गाना है जी, वो बहुत, मैं एक बात आज ईमानदारी से कहता हूं, मैं नहीं जानता मुझे कितनी जनता सुन रही होगी, शायद बहुतों को बुरा भी लगे जी, अगर मुझे कह दिया जाए कि एक तरफ रफी साहब गा रहे हैं और दूसरी तरफ यशुदास गा रहे हैं तो दोनों में से किसे सुनोगे जी? तो मैं कहूंगा मैं दोनों में से यशुदास को सुनूंगा। क्या बात है। तो यशुदास का एक गाना है बड़ा प्यारा, वैसे तो हर गाना उनका बहुत प्यारा है जी जी, लेकिन जो ये मेरी एज है इसमें थोड़े से ऐसे ही गाने सुने जाए ताकि उदासी ना छाए। एक गाना है इनका, सुनैना। जी जी जी। इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। हाँ, टाइटल सॉन्ग। तो ये गाना,
जी बिल्कुल, रविंद्र जैन जी का ये गाना मेरी पसंद पर हमारे यंगस्टर्स को भी सुना दीजिए जी, क्योंकि ये पुराने का पुराना है और बहुत प्यारा सा एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक क्लासिक सॉन्ग है। बिल्कुल क्लासिक सॉन्ग है, बिल्कुल क्लासिक। तो आइए सुनते हैं आपके फरमाइश पर इस गीत को और फिर बातों को आगे जारी रखते हैं। सुने ना सुने ना सुने ना सुने ना, इन नजारों को तुम देखो ओ, आज इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, आज इन नजारों को तुम प्यारी हैं फूलों की पंखुरियां पर तेरी पलकों से प्यारी कहां, फूलों की खुशबू से की दोस्ती तीन के रंगों से यारी कहां, सुने के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा, रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा, सुने आसमानों को तुम देखो
लो दिन ढला रात होने लगी, तारों की दुनिया में खो जाओ तुम, मैं जाग कर तुमको देखा करूं, सो जाओ तुम थोड़ा सो जाओ तुम, सुनैना सुनैना मेरे सपनों को तुम देखो, ओ आज मीठे सपनों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। इंडिया ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेशन। से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। से एवरीथिंग मींस अ ग्रुप ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। से एवरीथिंग इज एन इंटरनेशनल मेलिंग लिस्ट टू लर्न एंड शेयर, वेयर द सब्सक्राइबर्स कैन डिस्कस एवरी टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वी ईमेल एक्सचेंज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टू सब्सक्राइब अवर मेलिंग लिस्ट, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number one international meeting list. Come and join us today. आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आरजे भूषण के साथ। तो दोस्तों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा में, और इस वक्त मेरे साथ अमृतपाल जी और पुनीत जी के साथ रतिकांत जी जुड़ चुके हैं कॉल में। तो रतिकांत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा चल में। जी, सबका नमस्कार, धन्यवाद आपको जी कि मैं इस दिन का इंतजार ही कर रहा था। और सबसे पहला प्रोग्राम जो आपने की थी, शायद मुझे याद है कि मोहब्बत जी, प्यार और प्यार और मोहब्बत, और उस प्रोग्राम को किस कारण बस मैंने सुन नहीं पाया था, लेकिन मेरे ड्रॉपबॉक्स में मैंने लिया था और वो प्रोग्राम आज तक मेरे पास मेरे कंप्यूटर में है। क्या बात, वाह वाह वाह। अब आपको इनसे प्यार मोहब्बत हुई या प्रोग्राम से प्यार मोहब्बत हुई? इनसे तो मोहब्बत पहले से ही था, फिर ये हमारे एनटीपीसी ग्रुप के मतलब पहला आरजे है, और हमारे एनटीपीसी का जो रेडियो उड़ान के साथ शामिल इन्हीं की वजह से हुआ। वाह, बहुत चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। पहला आज तक भी आपको नहीं, आज तक भी आपको इन्हीं से मोहब्बत है, प्रोग्राम से नहीं है। ऐसी बात नहीं है, प्रोग्राम से भी मोहब्बत है और इनसे भी है। नहीं तो रतिकांत जी, कई प्रोग्राम्स में आप शामिल हुए हैं गीत गाता चल के बतौर कॉलर, तो कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाहे पिछले एक वर्ष की गीत गाता चल से जुड़ी हुई, क्योंकि आज हम जश्न एनिवर्सरी या जश्न गीत गाता चल इसी उपलक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक वर्ष पूरा हो गया, दूसरे वर्ष में हमने आज कदम रखा है, तो क्या खोया क्या पाया, अगर इस दृष्टिकोण से हम आज के कार्यक्रम को देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमको दो प्रोग्राम में, तीन प्रोग्राम का जिक्र करूंगा जी। कि एक प्रोग्राम जो किशोर कुमार जी के ऊपर हुआ था जी, वो सबसे अच्छा मुझे लगा था जी, और दूसरा जो रविंद्र जैन साहब के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ था जी, उसमें आपने एक फरमाइश भी की थी, साची कहे, हाँ, साची कहे तेरे आबन से हमरे अंगना में आए बाहर भौजी जी, ठीक है, वो गाना मैंने फरमाइश किया था। और एक प्रोग्राम था
कौन सा, अभी मैं भूल गया कौन सा, तो अभी बताए, अभी अभी तीन प्रोग्राम में एक याद नहीं आ रहा तुरंत। चलिए खैर कोई बात नहीं, यशोदास उनका गाना अभी हम सुन रहे थे, वो प्रोग्राम भी बहुत बेहतरीन था। यशोदास तो ऐसे ही कमाल के गायक हैं, तो उनके लिए कहना क्या, उनका प्रोग्राम अच्छा ही होगा ही। तो ये तीन प्रोग्राम सबसे मुझे बेटर लगा। और जो अब पहला प्रोग्राम जो किए थे मोहब्बत के बारे में, इस तरह का जैसे पुनीत जी बोले कि थोड़ा थोड़ा महीने में कम से कम एक प्रोग्राम कोई, या दो महीने में एक प्रोग्राम किसी दूसरे थीम के ऊपर हो, जैसे बिल्कुल बिल्कुल जरूर बारे में जरूर किया जाएगा। हमने नोट कर लिया आपका, बस तब अच्छा लगेगा। यशोदास की एज इस वक्त कितनी होगी पता आपको? यशोदास का एज तो मेरे हिसाब से मिनिमम 90 से ऊपर होगा। आजकल भी वो, आजकल भी वो वैसे ही दमदार गाते हैं अपने साउथ इंडिया में। चलिए कम से कम ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे और ज्यादा दिन तक हम उनके गाने सुने। बिल्कुल तो रतिकांत जी, आज की इस पहली एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए क्या कोई ऐसी आपकी कोई फरमाइश है कि जो आप, आपको कोई ऐसा गीत इस वक्त आपके जहन में आ रहा हो जो आप सुनना चाहें? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये गाना अगर आपके पास हो, क्योंकि मैं तो ज्यादातर पुराना गाना सुनता हूँ, ठीक है जी जी, लेकिन आज एक नया गाना का फरमाइश करूंगा, ठीक अच्छा है? वो एक गाना है ना, आज के पार्टी मेरे तरफ से। ओए होए होए। आज की पार्टी भूषण जी की तरफ से। आप बिना खर्च मैं कोशिश करूंगा रतिकांत जी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं फ्री फ्रैंकली इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हो सकता है कि ये गीत आज कम से कम मेरे कलेक्शन में न हो, तो कोई ऑप्शनल गीत बता दीजिए। हम इनको कभी अगले हफ्ते में सुना देंगे, कोई बात नहीं, कभी भी आप सुना दीजिए। और आज फिर क्या सुनाएंगे, आज कुछ भी सुना दीजिए, क्योंकि ये गाना मैंने मन बना के आया था आपको बोलने के लिए। और भाई एक बार सुन लीजिए, इनको ये गाना तब तक नहीं सुना जब तक ये वाकई आप आज की पार्टी मेरी तरफ से वाली बात को चरितार्थ ना करने। चलिए मैं इसी जनरेशन का एक गीत श्रेया घोषाल जी की आवाज में आपको सुनाता हूँ। अच्छा, तो आपको लगे कि कम से कम पार्टी का कुछ तो असर है। चलिए शुक्रिया आपको, कम से कम आपने कोशिश की, आपके पास नहीं है तो फिर वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दरअसल मैंने कुछ गाने आज यंग जनरेशन के लिए भी, उनको भी ध्यान में रखते हुए क्यों करके रखे हैं स्टूडियो में, तो उन गीतों में इस गीत का शुमार है जो गीत अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल, ये नहीं पता था ना कि आप तुरंत पार्टी मांग लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं पता था, तभी मुझे लग रहा था शायद ये गाना आपके पास हो, ठीक है, लेकिन ना तो कोई बात नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल आप इस गीत को सुन लीजिए, और एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक गीत है श्रेया घोषाल जी की आवाज में, ठीक, और फिर कभी पार्टी वार्टी को देख लेंगे। देख लेंगे, ओके ठीक है जी, बाय। बिल्कुल धन्यवाद, और बहुत अच्छा आपने आपके विचार गीत गाता चल प्रोग्राम में शेयर किए, और कॉल में आप आए, बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।
غزل میں بندش و الفاظ ہی نہیں کافی، غزل میں بندش و الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ ہاں دوستو، غزل کی اسی آگ پر مبنی پروگرام میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہو رہا ہوں، پروگرام شام غزل میں، جو آپ سن سکتے ہیں ہر فرائیڈے رات 10 سے 11 ریڈیو اڑان پر۔ شام غزل سننا نہ بھولیے، ریڈیو اڑان پر فرائیڈے رات 10 سے 11 آر جے سیف کے ساتھ۔ سنتے رہیے اور انجوائے کیجیے ریڈیو اڑان۔ آئے بھلا دے بھلا دے۔ آپ سن رہے ہیں گیت گاتا چل آر جے بھوشن کے ساتھ۔ تو دوستو، پھر ایک بار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے پروگرام گیت گاتا چل میں، اور اس وقت امرتپال جی اور پنیت جی کے ساتھ ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کالر کا سواگت کرتے ہیں پروگرام گیت گاتا چل میں۔ ویلکم ٹو دس شو پروگرام گیت گاتا چل فار دا ویری فرسٹ ٹائم، اینڈ مے آئی ہیو یور نیم پلیز؟ تھینک یو ویری مچ، مائی نیم از راشد، اینڈ ایز یو مینشنڈ آئی ایم فرام بنگلہ دیش، آئی ایم اے ویژولی امپیئرڈ گائے۔ I like your program, I like your radio station, and yeah. I always try to try to make publicity of your radio station to the to my friends, and that way always try to disseminate information about you to sighted people as well as blind people. Oh, that's very nice. So nice of you. You are listening Radio Udaan regularly, sir? No, I don't listen to Radio Udaan. Okay. But sometime when I find you online, yeah. I try to send my opinions, my comments, okay, about Radio Udaan, and I always try to give input to you, which way you can design your program, what sort of issues can be available there. That sort of I always try to give that sort of suggestion. Okay. Can you speak Urdu also? Unfortunately, yes. Unfortunately, I can't speak Urdu, but okay. I like it. Unfortunately, I can't. Okay, no problem. Anyway, today is the first anniversary of this program called Geet Gata Chal, and basically it's a musical program in which you can listen the songs to a particular theme which is to be given to the listeners on that particular day. So today, as if we are celebrating the first anniversary of this program, so today there is no such theme, but we are discussing regarding this program and what are the possible outcomes of this program in the last 1 year. That is what we are discussing with our callers. By the way, Rashid, what's your age and what you're doing there in Bangladesh? I'm 47, around 47. Okay. I'm doing a job in a multinational bank. I'm working there as receptionist. Okay. Sir, through this program, could you tell your views and opinions about disability field through this platform? I think that right now you are giving up this the program on air, yes, which is for
which is based on music. Like, yeah, that so, is okay, but still you can give the message regarding your country events. Yeah, you can give your message. What is the situation in your country regarding blindness and regarding disability? And what do you want from Radio Udaan? That's right. Some days before, we had a seminar in a leading newspaper office. In a leading newspaper office, we had a seminar. Okay. And the deputy speaker of our parliament joined that seminar as chief guest. Okay. Then we tried to present to him that, and there other parliament members were available. We just raised the point that as we are disabled, we should have place in parliament. We should have seats in parliament so that we can represent the disabled community in our country. But in response, he told, and the other MPs told, no, it's not possible because you have to join politics. Okay. Otherwise, it's not possible. Mm-hmm. They didn't care of our arguments. They didn't hear to us. And they told, okay, we will think of it, but I think it will not be easy for you. It is not possible. That sort of things were discussed there. They made comment about. But I know that in Asia, in other countries, many disabled people are getting upper hand, getting membership in parliament. Mm-hmm. I suppose it also is applicable in India. Correct. Okay. And I think some parliamentary members are among disabled community in India is working there, right? Yes. But they told no, it is not possible. So, Rashid, basically, what do you expect from Radio Udaan, as it is a global community radio station? I like to say to you that it's my suggestion. If we arrange a seminar about disability rights, about our problems, and if that sort of we record it and send to you for your news coverage. Okay. Is it possible for you to broadcast? Yes, sir. Rashid, recently we have started a program with the name of Community Colors. Yes, yes. In this program, we are also discussing about the news, views, and events and jobs of disabled people. So you can also give your news clips to us. We can we can try to play it. It's no problem. We will discuss with our General Secretary of Radio Udaan. Yes, as definitely. It will be possible for us, we will do this. I think there Thank may be for, no issue regarding this particular event. And the headline can be, the headline of the news can be like that the government rejected their request to get membership. No, we will discuss with the General Secretary. We have to discuss with our core committee regarding the same, and then we will look forward to that. Okay. Thank you for calling. Thank you for calling Radio Udaan. Yeah, thanks for calling Radio Udaan. Have a nice time. Thank you much, sir.
ये संडे होगा डबल फंडे, क्योंकि इस संडे उड़ान टॉप 10 पूरे करेगा अपने दो माइलस्टोन, पहला 50 एपिसोड और दूसरा एक साल का सफर। तो इस एक साल के सफर के हम सफर बनने के लिए आइए रेडियो उड़ान के ऑफिशियल पेज या फिर मेरे ऑफिशियल पेज आरजे अनोखा अंकित पर, और छोड़िए वहाँ पर अपनी फीडबैक्स या फिर विशेष, या फिर मुझे व्हाट्सएप करें वॉइस नोट के साथ 9451547454 पर। तो इस संडे होगा सिर्फ जश्न रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आरजे भूषण के साथ। तो दोस्तों, फिर का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाता चल में, और 10:57 हुआ चाहते हैं, और पुनीत जी और अमृतपाल जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं आज इस सेलिब्रेशन में। तो पुनीत जी और अमृतपाल जी, फिर एक बार आप दोनों का खैर मकदम और स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो अमृतपाल जी, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार जी, जी कि मैंने तो अपने व्यूज बता दिए, अब आप बताइए कि इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत कब हुई, कैसे हुई और कैसा महसूस किया आपने? जी, पहली बात तो ये कि अच्छा ही महसूस किया, क्योंकि अगर अच्छा महसूस ना किया होता तो अब तक मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा ना रहा हूँ, है ना? अब मुझे लगता है जो मेरी शिरकत इस प्रोग्राम में शुरू हुई वो किसी मदन मोहन के प्रोग्राम से शुरू हुई शायद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल। और मदन मोहन हमेशा ही मेरे महबूब मौसीकार रहे हैं, हमेशा ही रहे हैं। आपको मैं छोटी सी बात सुनाऊं, मैं दूसरी क्लास में था, मतलब दूसरी क्लास एक ऐसी क्लास होती है कि उस वक्त किसी की ओपिनियन जो है वो रॉ ओपिनियन होती है, बहुत बड़ी सही ओपिनियन नहीं समझी जाती। लेकिन मेरी उस दूसरी क्लास में जब मैं पढ़ता था तब भी ओपिनियन यही थी कि मदन मोहन जैसा म्यूजिक डायरेक्टर कोई नहीं हो सकता, और आज इतने सालों बाद भी मेरी वही ओपिनियन है। या तो मैं मैच्योर नहीं हुआ या फिर इसका मतलब दूसरी क्लास में भी मैं थोड़ा बहुत तो मैच्योर था, यानी इस तरह की बात है। तो मुझे लगता है कि उस मदन मोहन साहब के प्रोग्राम से ही मेरी इस प्रोग्राम इस यानी गीत गाता चल के साथ अटैचमेंट भी हुई, और वो तब से अटैचमेंट ऐसी हुई कि वो अब देखें वो चल रही है। और मैं अपने लिसनर्स को बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि ये बात तो सच है कि मेरी भी जब कभी अमृतपाल सर से बात हुई और मैंने ये महसूस किया कि मदन मोहन साहब पर तो इनसे चाहे धारा प्रवाह आप 5 घंटे का लेक्चर करवा लीजिए, आराम से कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी उस शो में यही पाया था जी, कितने सहजता से बातों को सहेजते जा रहे थे और लोगों एक एक गाना बखानते चलते हैं और पता भी नहीं चलता कब कौन सा गाना बखान गए, आधे गाने तो मैं भूल भी जाता था जब ये वक्त। बिल्कुल, क्या करें, वो संगीतकार ही ऐसा, वो संगीत जी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात का जिक्र करना चाहूंगा और हमारे लिसनर्स से भी इस बात को मैं शेयर करना चाहूंगा कि गीत गाता चल कार्यक्रम को लाइमलाइट में लाने का श्रेय मैं देना चाहूंगा फिर भी आरजे सैफ रहमान साहब को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब ये तय हुआ था कि गीत गाता चल प्रोग्राम शुरू होना है तो शुरू के 4-5 शोज मैंने रिकॉर्डेड किए थे और लाइव तो मैं अब कर रहा हूँ तो रिकॉर्डेड शोज की सारी एडिटिंग सैफ साहब ने की थी और तब जाके बना बनाया प्रोग्राम मेरे हाथ में मिलता था और मेरा काम बस यही रहता था कि उस कार्यक्रम को चलाना है, प्ले करना है ना। एक बात और मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा जी, मेरी भी सैफ साहब से बात हो रही थी और बात बात शायद बीच में भूषण भाई भी आ गए और तब सैफ भाई ने भूषण भाई को कहा भाई ये बंदा ले लो आप। हाँ जी, यानी ये बात मैं भूल नहीं पाऊंगा। और लाइव शोज के बारे में भी यही पुनीत जी हुआ कि कुछ लाइव शोज में कुछ गड़बड़े हुई, ऐसी गड़बड़े हुई कि जो एक प्रोफेशनल आरजे से नहीं होनी चाहिए। तो कुछ बातें उठी कि भाई लाइव शो करना है तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर टास्क, ये वो। तो उसके बाद भी काफी हौसला अफजाई की सैफ साहब ने और उन्होंने कहा कि अगर तुमसे गलती हुई है, ने अनजाने में ही गलती हुई है, ऐसी तो कोई गलती नहीं है कि जो सोच समझ के की गई है,
तो अपना जज्बा दिखाओ, अपनी हिम्मत दिखाओ और लाइव के लिए ही जाओ। ये मत सोचो कि एक स्टेप डाउन करके रिकॉर्डिंग में चले जाए। और फिर इन्होंने राखी पे फिर एक प्रोग्राम किया जो कि बहुत कामयाब रहा। जी जी। और भूषण जी, मुझे लगता है आज एनिवर्सरी है और हमारे जो लिसनर्स है वो नाचना झूमना चाहते होंगे, तो अपने बातों से हम उन्हें बोर ना करें, कोई अच्छा सा गाना सुनवा दें। बिल्कुल जी जी। तो अब अपने पिटारे से एक ऐसा गीत जो कि अपने जमाने में काफी सुपर डुपर हिट रहा और एवरग्रीन क्लासिक रहा, फिल्म आप आए बाहर आई से लता जी और किशोरदा की आवाज में एक गीत था, तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होगा। इस बात इस गाने के बारे में एक खास बात आपको बताओ। जी जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप गाना चलाएंगे तो मैं उससे पहले थोड़ी सी एक बात बताता चलूं। जरूर। राजेंद्र कुमार हमेशा मोहम्मद रफी के गाने गाया करते। अच्छा। यानी राजेंद्र कुमार का प्लेबैक हमेशा मोहम्मद रफी। जी जी। ये एक वाहिद एक गाना ऐसा है जिसमें राजेंद्र कुमार का प्लेबैक किशोर कुमार। साधना थी इस फिल्म में और राजेंद्र कुमार का प्लेबैक इस फिल्म में किशोर कुमार, इस फिल्म में नहीं इस गाने में, बाकी गाने रफी साहब के। जी। बाकी सभी गाने नहीं, कुछ एक एक फिल्म ऐसी भी थी प्यार का सागर जिसमें राजेंद्र कुमार का प्लेबैक जो था वो मुकेश ने दिया था। जी, वो संभव है, वो तो संभव, लेकिन ये कि किशोर ने सिर्फ एक ही गाना। हाँ, एक एक बिल्कुल। चलिए तो खैर इस गीत को सुन लिया जाए और फिर कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आगे की बातें की जाए और लिसनर्स को भी आमंत्रित किया जाए कि इस जश्न सेलिब्रेशन में या इस गीत गाता चल के स्पेशल प्रोग्राम में जो कि एक वर्ष पूरा कर चुका है, तो आप भी आए और अपने व्यूज रखें। कैसा कैसा तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में, वो तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में, तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा हो सजनी, तेरा प्यार सताता है चैन नहीं आता है रातों में, वो तेरा प्यार सताता है चैन नहीं आता है रातों में, तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होगा होगा। मेरी हालत जैसी है तेरा हाल भी ऐसा है, मेरी हालत जैसी है तेरा हाल भी ऐसा है, हल्का हल्का सा दिया में जन दर्द ये कैसा है, तुम तो भी तो ऐसा कुछ होता होगा ओ सजनी, कैसा कैसा तारे गिनता मैं रहता हूँ जागता रहता हूँ रातों में, ओ तारे गिनता मैं रहता हूँ जागता रहता हूँ रातों में, मैं
कैसा इंतजार तेरा करती हूँ, आहें मैं भरती हूँ रातों में, इंतजार तेरा करती हूँ, आहें मैं भरती हूँ रातों में। ये मस्त नजर तेरी मेरे होश उड़ाती है, ये मस्त नजर तेरी मेरे होश उड़ाती है, ये तेरी मस्ती मुझे भी मदहोश बनाती है, तुमको ऐसा ही कुछ होगा सजना, कैसा रोज खाब में तू आता है, दिल धड़काता है रातों में, रोज खाब में तू आता है, दिल धड़काता है रातों में, तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा। Barrier Break brings TechShare India, a conference come exhibition discussing accessibility and assistive technology for all kinds of disabilities on 3rd and 4th March in New Delhi. Step towards digital inclusion. More than 50 experts will demonstrate how persons with disability can be empowered. Conference will be held in partnership with National Center for Promotion of Employment for Disabled and Royal National Institute of the Blind, UK. What are you waiting for? Wake up and register now. You can log into techshare.barrierbreak.com or mail us at techshare@barrierbreak.com. आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आरजे भूषण के साथ। तो दोस्तों फिर स्वागत है प्रोग्राम गीत गाता चल में, और अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक आरजे आरजे अनोखा अंकित। तो अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाता चल में। थैंक यू वेरी मच सर, एक साल पूरे हुए तो मेरा आना बनता है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद मेरे एक शो का भी एक साल पूरा होना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी बात का जिक्र मैं करने जा रहा था अभी। जी जी, तो बताइए आपने मुझे लगता है एक बार प्रोग्राम में आप शामिल हुए थे गीत गाता चल में, एक शो में आप दो शामिल बार, हुए थे दो बार। अच्छा जी, यस। तो कैसा लगा उस समय? नहीं, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि हम किस तरह से चीजों को लेके चलते हैं, बट एक चीज मैं चाहता हूँ कि अब जब नया सीजन ये आए या नई चीज है तो हम थोड़ा और पीछे जाएं। मतलब गीत गाता चल जहां से गीत का शुरुआत हुई या म्यूजिक की स्टार्ट हुई बॉलीवुड में, अगर हम वहां से अब पकड़े तो आप कुछ एपिसोड तो आपको थोड़ी रेस्ट भी मिल जाएगी बीच बीच में, तो आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हम एक सीरीज चलाएं वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि ना कि बीच बीच से सिंगर्स को हम उठा रहे हैं कभी 80s के कभी 90s के म्यूजिक कंपोजर, तो वो एक लाइन सी चली जाएगी। जी जी, इसी बीच लगता है शायद अमृतपाल जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है दोबारा। जी बिल्कुल जी, तो अमृतपाल जी अंकित हमारे साथ हैं, इनका भी इस रविवार उड़ान टॉप 10 का एक वर्ष पूरा होगा और साथ ही साथ 50 एपिसोड्स भी ये मुकम्मल करेंगे।
वाह वाह, ये गाने सुनाते हैं आपको इस हफ्ते के बेस्ट गाने जी। देख लीजिए आप उड़ान टॉप 10 से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप 10 गाने बिल्कुल। कौन सा गाना चल रहा है भाई साहब? टॉप में सनम रे का गाना चल रहा है टाइटल ट्रैक। अच्छा, पिछले हफ्ते वही था तो जो मेरा सनम हुआ। हाँ यस यस बिल्कुल। इन गानों में बाजीराव मस्तानी कहीं नहीं है? बाजीराव मस्तानी का गाना पिछले हफ्ते लॉन्ग 10 में था, इस हफ्ते शायद हो या ना हो, कंफर्म नहीं है। पिछले हफ्ते था ये गाना। इतने पूरे गाने क्या उसके? नहीं नहीं, बहुत अच्छे गाने। मुझे मलिहारी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छी फील आती है। वो एक ही हफ्ते आया था काउंटडाउन में 7 नंबर पर, उसके बाद तो चला गया जी। तो कौन डिसाइड करता? भाई सुनने वाले हैं तमाम लोग हैं, लिसनर्स हैं, मेरे फैंस खुद हैं, मेरा खुद का पेज है, काफी सारे लोग हैं, काफी सारी भीड़ है उसको सुनने के। जी तो अंकित जी, और अगर आप कुछ कहना चाहें, वैसे आपके जो सजेशंस है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है और आपको हमसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा है, तो मैं चाहूंगा कि इन चीजों को हम जरूर अपने शो में इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करें आगे आने वाले एपिसोड्स में। अरे बिल्कुल सर, आपने क्या बात कर दी, म्यूजिक का तो आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, किस तरह से आप केएल सागर साहब की आवाज निकालते हैं। नहीं, म्यूजिक की बात और है अंकित, और प्रोफेशनलिज्म की बात और है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये अंकित भाई, ये बहुत तारीफ करते हैं आपकी सपोर्ट जी। सर ये झूठी तारीफ करते हैं, मेरी कोई तारीफ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नहीं, और कन्वेंशन में भी हमारी मुलाकात हुई थी इत्तेफाकन, उस वक्त अमृतपाल जी से हम नहीं मिल पाए, ये बड़ी दुख की बात है। खैर ये वाकई ऐसी बात नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं। अंकित भाई कहाँ होते हैं? ये कानपुर से बिलोंग करते हैं। कानपुर, कानपुर। अरे वाह, कानपुर में तो मेरी बहन है यार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर का किस एरिया में रहते हैं? मैं सर कानपुर में शिफ्ट करता हूँ जी, श्याम नगर। जी जी, अच्छा। तो खैर चलिए अंकित जी, और अगर कुछ आप कहना चाहें या फिर कोई अगर ऐसी आपकी कोई फरमाइश हो जो कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम चला पाए। नहीं सर कोई फरमाइश नहीं, बस यही कहेंगे ये शो इसी तरह चलता रहे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी चीज है और 1 साल पूरे हुए हैं। अब मैं आपको नौता देता हूँ, भले मेरा शो लाइव नहीं आता है मगर आप कुछ कहेंगे मेरे शो के लिए तो बहुत जरूर 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 बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर जी। तो अमृतपाल जी अब समय आ गया है कि आप कुछ कहें, आपके अनुभव लगभग 1 वर्ष तक आपने इस प्रोग्राम में मेरा भी बतौर को होस्ट साथ निभाया है, तो आप अगर कुछ कहना चाहें अपने खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में तो आप कहें। मेरे अनुभव हमेशा अच्छे ही रहे, बहुत खूबसूरत रहे, बहुत बढ़िया रहे हैं, और हम जब किसी भी आर्टिस्ट को डिस्क्राइब करते हैं पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उसकी शख्सियत का हर पहलू हम डिस्क्राइब करें, उसकी शख्सियत का वो पहलू जो हमारे सामने आया है और वो पहलू भी जो हमारे सामने नहीं है, हम लोग कोशिश कम से कम ईमानदारी से ये करते रहे हैं कि हम लोग वो दोनों पहलू उस शख्सियत के डिस्कस करते रहे। आप बखूबी वाकिफ हैं हमारी मतलब इस बात से, आप भी मानेंगे कि ये बात हम करते रहे जी। की रही बात के किसी को कोई बात नागवार गुजरती है कभी कभी के भाई ये पहलू क्यों डिस्कस हो रहे हैं, उसके कलाकारी वाले पहलू नहीं है ना हो, पर हम कहते हैं कि एक इंसान की जिंदगी है, एक इंसान की जिंदगी में सारे पहलू होते हैं, बिल्कुल। तो हमें सारे आस्पेक्ट डिस्कस करने हैं और सारे आस्पेक्ट डिस्कस करेंगे तभी पता लगेगा कि उस शख्स का उसकी खूबियां क्या उसकी। तो मुझे इस शो की सबसे जो पसंद बात है वो यही रही है कि हमेशा हम लोग खुल करके बात करते रहे ऊपर और उसकी खूबियां भी डिस्क्राइब की है और कहीं कहीं जहां हमें लगा है कि उसकी कोई खामी है हमने वो भी डिस्कस की। बिल्कुल, तो ये एक सबसे बड़ी बात इस शो की कामयाबी वाली बात भी रही है और ये बात कभी भूल नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोग्राम या कौन सा ऐसा शो रहा जो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, या फिर ऐसी कौन सी वो जो इंसिडेंट है या कौन सी वो घटना है
किसी शो के दौरान सडनली आपको ऐसा लगा हो कि यार इस बात को हम एक वर्ष या दो वर्ष बाद भी अगर हमें कोई पूछे तो हम तुरंत उसे बता पाए? आप यकीन कीजिए कि एक दफे जब हमारा स्टूडियो हमें धोखा दे गया था जी जी, और जब हमें पता नहीं लग रहा था हम कौन सा गाना चला रहे हैं जी, तो एकदम से हमें एक बात सूझी थी कि ओके कोई बात नहीं, आप गाना चलाएं, जी जी हमने डिस्कस करना है, गाने के बाद कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है जी, और जी। वो बात हमने की और हमने किसी को ये नहीं पता लगने दिया कि आज दिक्कत हमारे साथ ये है, क्योंकि अपनी दिक्कतें अपना रोना तो हमारे साथ ही है ना, वो तो अपनी दिक्कतें हम अपने साथ रखेंगे, दूसरे दोस्तों को क्यों वो दिक्कतें हम बताएं। और अभी हमारे एक लिसनर अनुभव भार्गवा जी का इलाहाबाद से चैट आया है कि जी मे दिस शो गो ऑन फॉर अनदर 100 ईयर्स, क्या बात है अनुभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात, तो ये कॉल हमें नहीं कर सकते। अब ये हमें लाइव सुन रही है तो अगर ये हमें कॉल करना चाहे तो इनका हम जरूर स्वागत करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे लिस्टर हैं, ये कंप्यूटर के कई लिस्टों पे भी हैं और शायद एक आध बार इनसे बात भी हुई होगी, और ये बहुत अच्छा बोलते हैं और इन्होंने ऐसे ही कंप्यूटर सीखा है जी, यानी लोगों से पूछ पूछ कर सारी बातें कर करके इन्होंने कंप्यूटर सीखा और आजकल ये पूरी एक्सपर्ट है कंप्यूटर में जी जी जी। ये बहुत, तो अभी गीत संगीत की कुछ बात करते हैं, हमारे श्रोताओं को कुछ गीत सुनाते हैं। एक गीत इस उपलक्ष्य में मैंने सबसे पहली जो थीम ली थी प्यार और मोहब्बत, ये थीम ली थी मैंने पहले प्रोग्राम में, तो प्यार वाली थीम से एक गीत है आशा जी और किशोरदा की आवाज में, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, वाह वाह, खयाम साहब का गाना है दर्द जी का। इस गीत के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें दो शब्द तो आप कहें, फिर इस गीत को हम चलाएं। ये गीत इतना मीठा है जी, और खयाम जैसे संगीतकार से कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इस तरह का शोक गीत बना सकते, रोमांटिक गीत बना सकते जी, उन्होंने रोमांटिक गीत बनाए पर वो इस तरह के गीत नहीं, वो अलग तरह के गीत थे, तो ये बिल्कुल एक अलग यूथ को पसंद आने वाला, लोगों तक पहुंचने वाला और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाला गीत खयाम साहब ने बनाया, उस बात के लिए बधाई के पात्र वो भी है, बहुत अच्छा। इसी बीच मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे तमाम लिसनर्स से और आरजे से और कोर टीम मेंबर्स से कि आज गीत गाता चल की पहली एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आप आए और गीत गाता चल से संबंधित अगर आपके कोई विचार हो तो उन विचारों को बेझिझक लाइव प्रोग्राम में रखें, आपका स्वागत है। ये मिलन हो दोबारा,
ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। नहीं नहीं सपनों की हमें नहीं राह मिली, नहीं नहीं सपनों की हमें नहीं राह मिली। एक नरमा हमारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का। प्यास कोई और कोई प्यास रहे, रोज मिटे प्यास कोई और कोई प्यास रहे। दिल दीवाना पुकारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, हम मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही, सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आरजे भूषण के साथ। तो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाता चल में। और 11:27 हुआ चाहते हैं इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में, और
دوستوں آج اس جشن اینیورسری میں یا جشن گیت گاتا ہم نے کوشش کی ہے پچھلے ایک ورش کا دیکھا جوکھا اس کاریکرم سے دینے کی اور کچھ سجیشنز بھی ہمیں ملے ہیں جن سجیشنز پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں نکٹ بھوشیہ میں. پریت جی نے اور آر جے انکت جی نے ہمیں کچھ سجیشنز دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پال جی بھی پار کی طرح آج بھی کاریکرم میں جڑ کے اب وچاروں سے ہمیں ابھیبھوت کر رہے تھے, ابھیوکت کر رہے تھے اور لسنرز تک اپنی بات پہنچا. کنہیں تکنیکی کارنوں کی وجہ سے امرت پال جی اس سمے ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو دوستوں رہا تھا اپنے پہلے شو کی, پہلا شو میں نے کیا تھا 18 فروری 2015 کے روز اور ایک کال آئی ہے, دیکھتے ہیں. جی تو دوستوں ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہیں, آپ کا سواگت ہے. تم گیت گاتا چل کے پہلا اینیورسری میں آپ کو بہت بہت بدھائی ہو اور ساتھ ہی امرت پال سر کو بھی میری اور سے نمسکار, کیونکہ ان کا یوگدان اس پروگرام میں بہت ہی رہا ہے اور رہے گا, یہ ہم امید کرتے ہیں. بالکل جی, میں دو تین باتیں کہوں گی کہ پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں, اس کے بعد دو تین کیا چار پانچ دس باتیں جتنی بھی باتیں آپ کو کہنی ہو وہ کہیں. میں میرا بول رہی ہوں تالچہ تھرمل اوڈی سے. جی تو یہ پروگرام کے بارے میں مجھے دو تین بات کہنا ہے. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ شروتاؤں بھی میرے ساتھ ضرور شامل ہوں گے کہ آپ کا جو پریزنٹیشن, آپ کا جو اینکرنگ وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس پروگرام کو زیادہ تر سرس اور سندر کرتا ہے. آپ کا جو اینکرنگ کا اسٹائل, جو ویف ٹکنگ, جو اپستھاپنا شیلی, یہ بہت ہی اچھا ہے, بہت آکرشک ہے. جی جی بہت, یہ تو سارے شروتاؤں میرے ساتھ بھی شامل ہوں گے, یہ میرا امید ہے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو اسپیشل اوکیجن ہوتے ہیں جیسے چلڈرنس ڈے ہوا, رکشا بندھن ہوا, انہیں اوکیجن کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ جو پروگرام وغیرہ کرتے ہیں وہ بہت ہی مطلب آکرشک ہوتا ہے اور بہت ہی مطلب چیتاکرش منورنجک ہوتا ہے. اور میرا یہ ایک سجیشن اور ہے, اگر کچھ ہوتا ایسا ہے جو کہ اسکائپ میں بات نہیں کر سکتے ہیں, جیسے چیٹس وغیرہ آپ استھان دیتے ہیں, اسی طرح اگر وائس چیٹ بھی مطلب رکھا جائے یا اگر پوسیبل ہو تو اگلے دنوں میں تو کیسا رہے گا, اگر اچت مطلب سمجھا جائے تو رکھنے سے ٹھیک رہے گا میرے خیال سے. یہ تو مطلب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے ہوگا. تو یہ میرا ایک سر مطلب صلاح تھا یا سجیشن تھا. آپ کی صلاح بہت صحیح ہے, آپ کے سجیشنز بھی صحیح ہے اور یہ آپشن ویسے کھلا ہے, اگر شروتا چاہیں, اگر لسنرز چاہیں تو ہمیں وائس چیٹس بھیج سکتے ہیں وائس نوٹس کے ذریعے. ہمارا جو ریڈیو اڑان کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ, میں کبھی کبھار میں نے ان باتوں کی اور اشارہ بھی کیا ہے, شروتاؤں کو اوگت بھی کرایا ہے کہ اس اوکیجن پہ یا اس تھیم پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں یا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. تو آپ اگر اسکائپ کے مادھیم سے جڑ نہیں سکتے تو آپ وائس نوٹ ہمیں بھیجیں, ہم اس وائس نوٹ کو کاریکرم میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی کیونکہ سارے این ٹی بی سی کے ہمارے بہت سارے فرینڈس ہیں جو کہ وائس چیٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے انٹرسٹڈ ہوں, اسکائپ ان کے پاس اویلیبل نہ ہو, اسی لیے میں نے یہ پروپوزل دیا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگر پاسبل ہو تو آگے استھان دینے کی کوشش کی. جی جی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ٹیلیفونک کانورسیشن کے ذریعے بھی میں نے کچھ کاریکرموں میں شروتاؤں کو جوڑنے کی کوشش کی تھی. ہاں ہاں بالکل, وہ تو بہت ہی سراہنیہ, بہت ہی سراہنیہ, تاکہ اس کے مادھیم سے جو شروتا جوڑ نہیں پا رہے ہیں یا جن کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں, مطلب انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, ان لوگ کم سے کم پارٹیسپیٹ کر پاتے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے, اور آگے بھی اگر اس طرح کا مطلب چلتا رہے تو بہت شروتا شاید پارٹیسپیٹ کر پائیں گے اس پروگرام میں. جی تو یہی بات, دو تین باتیں مجھے کہنا تھا.
बहुत ही अच्छा चलता है, चलता भी रहेगा। अमृतपाल सर को भी मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि उनकी वजह से भी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चलता रहता है। और उम्मीद है कि वो सर प्रोग्राम में रहेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे। जी जी, इतना ही कहना है मुझे आज का प्रोग्राम। और आपके मतलब हिसाब से आपको जो गाना अच्छा लगता है उसी उन्हीं गानों में से एक चला दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। एक गीत है जो कि हमें थोड़ा सा दर्शन शास्त्र भी सिखाता है और प्यार का महत्व भी सिखाता है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अरे वो तो बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया गाना है, सुना दीजिए। जी तो फिलहाल ये गीत मैं आपको डेडिकेट करता हूँ और इस गीत को हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 02266838637। आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आरजे भूषण के साथ। तो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाता चल में। और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से 11:40 हुआ चाहते हैं। और दोस्तों, अब मैं कुछ बातें गीत गाता चल से संबंधित और आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने पहला शो किया 18 फरवरी सन 2015 के रोज, तो जब शो ऑन एयर होना था उससे पहले सारी एडिटिंग वगैरह हो चुकी थी। बस यही था कि शुरू का और एंड का हिस्सा तैयार नहीं था, तो मैंने आरजे सैफ रहमान साहब से पूछा था कि मैं चाहता हूं कि इसे मैं ऑन एयर लाइव ब्रॉडकास्ट करूं। तो उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और कहा कि बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो तो ज़रूर इसे तुम लाइव उसी वक्त तुम्हारे मन में जो आए वो कह देना, शुरुआत और एंड बहुत अच्छे से करना, बाकी बीच वाला हिस्सा, कॉलर्स की रिकॉर्डिंग और तमाम बातें और गीत वगैरह सारे बिल्कुल फिट हैं और थीम भी बहुत बढ़िया है। तो जैसे ही घड़ी में 9:59 और कुछ सेकंड्स हुए तो दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि पहला अवसर था कि मुझे लाइव ऑन एयर इतने सारे लिसनर्स के साथ राब्ता करना था, अपना अख्तार रुकबिल करवाना था, अपना परिचय देना था। और एक जो पहले फुटप्रिंट्स होते हैं उन्हें उन फुटप्रिंट्स का मार्क कराना था। तो खैर, सब कुछ ठीक ठाक रहा। आरजे सैफ रहमान साहब के आशीर्वाद से, हमारे कोर मेंबर्स के कोऑपरेशन से, सहयोग से, नाम लेना चाहूँगा मैं विशेष तौर पे दानिश, ज्योति और हमारी डायरेक्टर आरजे मिनल सिंघवी जी का। और मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अगर आए और गीत गाता चल से संबंधित अपने विचार अगर प्रोग्राम में रखें तो बड़ा एहसान होगा। और दोस्तों, अब सुनते हैं और एक प्यार और मोहब्बत से लबरेज बड़ा ही ज़बरदस्त गीत आशा जी और किशोरदा की आवाज़ में, और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना, वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या ये न समझना, आज भी ऐसे जाने दूंगा, ऐसा भी क्या कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो, बचते बचाते हो बचते बचाते छुपते छुपाते
गया मैं वही पुराना तेरा बहाना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया पकड़ेंगे उड़ जाएगी मेरी कलाई हाथ न पकड़ो हम पकड़ेंगे छोड़ो ना नहीं छोड़ो ना ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के प्याज भी तो हो प्याज भी तो नया नया है मेरी वफा की कदर करोगे कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं कहो कहो अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं बोलो बोलो अजी तुम्हारे शर्म कहाँ की आओ गले लग जाओ जी कब से खड़ा हूँ प्यासा प्यास बुझाओ जी हट जाओ जी बुझाओ जी बदनामी से हो समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया वादा तो निभाया रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आरजे भूषण के साथ। तो दोस्तों फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाता चल में। 11:48 हुआ चाहते हैं स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से। तो मैं यादें ताज़ा कर रहा था प्रोग्राम गीत गाता चल की, और पहले पहल जब मैंने शो किया था 18 फरवरी 2015 के रोज, उस शो में बहुत से
उस वक्त के आरजेज ने पार्टिसिपेट किया था, ये मेरे लिए एक बड़ा ही जबरदस्त बूस्टिंग वाला जो है यादगार पल था। और इन पलों ने मुझे वो ऊर्जा दी, वो चेतना दी और वो सुअवसर दिया जिसको भुनाने में मुझे लगता है कि मैं आगे वाले एपिसोड्स में कामयाब हो पाया। उसमें दानिश, ज्योति, मीनल सिंघवी जी और निकिता पाटिल, इन चार उस वक्त के आरजेज ने पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ कॉलर्स में रतिकांत जी, जो कि आज भी शामिल हुए थे जश्न एनिवर्सरी में गीत गाता चल की, तो रतिकांत जी का भी सहयोग था उस प्रोग्राम में। और उन्होंने अच्छे अच्छे गीत बतौर फरमाइश उस प्रोग्राम में चलवाए थे। और अब मैं बात करना चाहूँगा प्रोग्राम के बिल्कुल ही अंतिम चरण में उन को होस्ट की, जिनके बदौलत कुछ शोज काफ़ी अच्छे रहे और उन शोज की कामयाबी में उन को होस्ट का बहुत ही ज़बरदस्त सहयोग है। उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा मेरी एक को होस्ट पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, इन्होंने एक शो में मेरे साथ को होस्ट किया था, निशा अमजद जी, और वो शो था उदित नारायण जी के बारे में। और उस शो में बड़ी ही अच्छी तरह से निशा जी ने शिरकत की थी और लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था, कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट किया था और अपनी बातें भी शेयर की थी उदित जी के बारे में। और उसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा विकास पारिक जी ने मेरे साथ किया था और विकास जी ने भी बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और श्रोताओं से इंटरेक्ट किया और खुद भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन्स उदित नारायण जी के बारे में हम तक पहुंचाई और श्रोताओं को भी अपनी बातों से लाभान्वित किया। और विकास जी ने एक वाकया शेयर किया था मेरे साथ हमारे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में कि जब बतौर को होस्ट विकास जी पहली बार मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए तो उस दिन रात 3 बजे तक जग के उन्होंने उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को सुना और तब जाके फिर उन्होंने 2-2.5 घंटे की नींद ली और 5:30-6 बजे उठ के वो अपने दफ्तर के लिए तैयार हुए। तो ये होता है जज्बा दोस्तों, कि किस तरह काम किया जाता है और काम करने के बाद उस काम को ठीक से अंजाम दिया गया है कि नहीं, उसको जांचना परखना, यही सबसे बड़ी बात होती है। और विकास जी ने उस बात का परिचय उस दिन हम सबको दिखाया। खैर दोस्तों, अब और एक गीत सुनने की बारी आई है और इस बार बप्पी लाहिरी साहब के संगीत निर्देशन में यशुदास जी की आवाज में लीजिए सुनते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत गीत। Be
चल आरजे भूषण के साथ। तो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीत गाता चल के इस बिल्कुल ही अंतिम चरण में। क्योंकि दोस्तों, आज हमने बात की प्रोग्राम गीत गाता चल की और लेखा जोखा पूरे एक वर्ष का लेने की कोशिश की और कुछ कॉलर्स ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और चार चांद लगाए और कुछ तो ऐसे कॉलर्स भी थे कि जिन्होंने पहली बार इस कार्यक्रम में शिरकत की। विशेष तौर पे मैं बांग्लादेश से राशिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। और साथ ही उन तमाम कॉलर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज कार्यक्रम में आके गीत गाता चल से संबंधित उनकी यादें हम तक पहुँचाई और हमारी भी यादें इस कार्यक्रम के माध्यम से ताज़ा की। और दोस्तों, मैं उन कॉलर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कार्यक्रम में आके अपने सजेशंस खुले दिल से हम तक पहुँचाए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले कार्यक्रमों में उन सजेशंस पर अमल किया जाए, विचार किया जाए। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब हमें आपसे बिछड़ना होगा, अलविदा होना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी अगले सप्ताह की, जब हम किसी और एक नई थीम के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। दोस्तों, वैसे रेडियो उड़ान का सीजन भी शुरू हो चुका है, एक नए जोश, एक नई उमंग और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी तमाम फीडबैक्स रेडियो उड़ान से संबंधित या विशेष तौर पे प्रोग्राम गीत गाता चल से संबंधित अगर हम तक पहुंचाना चाहें तो आप mail@radioudaan.com के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पे भी आप चैट भेज सकते हैं और हमारी जो अन्य सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से या जिनके आप हम तक पहुंच सकते हैं वे है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि रेडियो उड़ान का व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में भी अगर आप शामिल होना चाहें तो हमें आप चैट के माध्यम से अवगत कराएं तो हम आपको शामिल कर सकते हैं। साथ ही हमारे रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज www.facebook.com/radioudaan पे भी आप अपने कमेंट्स और सजेशंस भेज सकते हैं और ट्विटर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब चूंकि समय और हमारे पास नहीं बचता कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, इसलिए मैं आरजे भूषण आप सभी से लेता हूं इजाजत और आप सभी खुश रहें, हंसते रहें और आपके आस पड़ोस के लोगों का, यारों दोस्तों का, परिजनों का, प्रियजनों का और परिवारजनों का ख्याल रखें और जब भी मौका मिले सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाते जाते एक बहुत ही अच्छा गीत सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल जी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि,
जय हिंद। छोटी से बांधे नाचे है हम ताता भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मिया, एक गली में कुंजे अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया। I'm gonna get you.